हे गाइस, सो आज मैं बनाने वाली हूँ DIY राखी। इसके लिए हमें चाहिए थी पेपर स्ट्रिप्स पेपर क्विलिंग करने के लिए, एंड हर स्टेशनरी पे अवेलेबल नहीं होती हैं, तो इसलिए मैंने खुद ही ये शीट से कट करके बनाई है। बट प्रॉपर लेंथ होनी चाहिए, अच्छे से मतलब लाइक बिल्कुल सीधी होनी चाहिए स्ट्रिप, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, कटर से कट कर लीजिए। देन मैंने पर्पल फोल्ड किया, फिर ब्लू फोल्ड किया था, उसके बाद मैंने स्काई ब्लू फोल्ड किया था इसके ऊपर से। बाय द वे, मैंने ये कुछ कलर्स अपनी तरफ से ऐड किए हैं, अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप मत करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेन कलर्स ऐड कर लो, मेन 3 या 4 कलर्स हैं। मैंने येलो भी फोल्ड किया था, देन मैंने ग्रीन भी 2 कलर्स लिए थे, एक लाइट ग्रीन और एक डार्क ग्रीन। मैंने दोनों की एक लॉन्ग सी स्ट्रिप बना ली थी इन दोनों को ज्वाइन करके, और देन उसे लूज फोल्ड किया था बिकॉज हमें वो थोड़ा सा शेप देना था उसको, तो लूज फोल्ड किया था। नाउ ना मैंने इसे ना शेप दे दी थी कुछ इस तरीके से, ये कुछ मतलब मोर पंख टाइप शेप आ गई थी इसकी, कलर भी उस टाइप का हो गया था। देन जो भी एक्स्ट्रा जा रहा था पार्ट उसे कर दिया था हमने पेस्ट। देन मेरे पास ये एक थ्रेड पड़ा था, काफ़ी टाइम से रखा हुआ था ये। आपके पास अगर इस टाइप का थ्रेड नहीं है तो आप कोई एम्ब्रॉयडरी थ्रेड होता है, ऊन होता है, कुछ भी ले सकते हो। ओके, तो कुछ भी ले लो आपको जो ठीक लगे, अगर आपके आसपास राखी के या कैसे भी धागे मिल जाते हैं तो आप ये भी ले सकते हो। देन कुछ स्टोन्स मेरे पास पड़े हुए थे, स्टार्स वगैरह, मैंने वो ऐड करे हैं। आप चाहो तो नॉर्मल जो मोती होते हैं वो भी ऐड कर सकते हो, या फिर जो मोर पंख में जो मेन कलर्स होते हैं ग्रीन ब्लू पर्पल, इनसे रिलेटेड भी आप कुछ मोती ऐड कर सकते हो। देन उसे पेस्ट कर दिया एंड हमारी DIY राखी रेडी हो चुकी है।